नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश कुमार अपने चैनल बीटू फूड्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज हम आ गए हैं दिल्ली के इंडिया गेट के पास, जो ब्रिटिश काउंसिल है। ब्रिटिश काउंसिल पे एक पप्पू चाट भंडार है जो काफ़ी फेमस है यहाँ का। और यहाँ पे आपको फ्रूट सैलेड और आपको जो है यहाँ का आलू चाट काफ़ी फेमस है यहाँ का। तो उसका स्वाद कैसा है और अपने दोस्तों के साथ हम आए हैं और कुछ यहाँ पे जो कस्टमर है उसका रिव्यू भी लेंगे और बताएंगे क्या स्वाद है यहाँ का। तो चलिए हम चलते हैं पप्पू चाट भंडार की तरफ और वहाँ उनके बारे में जानते हैं क्या क्या है, यहाँ की स्पेशलिटी क्या है, उसके ओनर से भी हम बात करेंगे। जानते पप्पू जी से कब से एस्टेब्लिश्ड है शॉप, क्या क्या यहाँ पे फेमस है पप्पू जी? हाँ जी, कैसे मतलब आपका शॉप जो है कब से एस्टेब्लिश्ड है यहाँ पे? सर 1980 से को मेरे को हो गया है। जी जी, उससे ये बड़े भाई पहले बैठते थे मेरे से। जी जी, उससे पहले फादर बैठा करते थे। टोटल मिला के हम लोगों को 50 के आसपास हो चुका है। 50 साल के आसपास। हाँ जी, यहाँ का सबसे अच्छा क्या है? यहाँ सब कुछ अच्छा ही है। आलू चाट खाओ वो तो नंबर वन की है, फ्रूट चाट खाओ वो भी बहुत अच्छी है, फ्रेश जूस पियो, वेजिटेबल जूस पियो। कैमरे मैन। हाँ जी, वेजिटेबल जूस पियो या अच्छा उधर भी देंगे। मैंने यहाँ पर कोई भी चीज़ खाओ पियो सब बहुत बढ़िया जेनवन मिलता है यहाँ पे। अभी आलू चाट तो हमारी फेमस है ही यहाँ पे। फ्रूट चाट अपना फ्रेश फ्रूट होता है, सेहत के लिए फायदेमंद है। आलू चाट भी नुकसानमंद है, आलू चाट भी हमारी फायदेमंद है। अच्छा, किसी को खास क्या खासियत है? खासियत ये है खाओ और हजम हो जाता है। खाओ हजम हो जाता है, हजम हो जाता है, स्पाइस डालते हैं इसमें, खाओ और हजम हो जाता है। अरे सर, कुछ तो कस्टमरों का प्यार है, कुछ हम अपने प्यार से बनाते हैं, दिल से बनाते हैं जी, बाकी इसलिए सब कुछ अच्छा हो जाता है यहाँ पे। बाकी जो चीज़ हम लगाते हैं वो नंबर वन की लगाते हैं। हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? ये हमारे कस्टमर तो भगवान है, वो दिल से बिल्कुल आते हैं यहाँ पे जी। हाँ जी, उन्हीं के थ्रू हमारा सारा काम होता है जी जी। बस कस्टमर के साथ हम कस्टमरों के साथ हैं जी जी, बिल्कुल। और क्या पूछना बताए? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों चलते हैं, हम रिव्यू लेते हैं अपने दोस्तों के साथ क्या क्या है यहाँ का स्वाद, क्या कैसा है। तो सबसे पहले मैं रमन जी से इसका रिव्यू ले रहा हूँ। रमन जी, कैसा लगा आपको यहाँ का जो चाट है? लेट मी टेस्ट फर्स्ट। क्रिस्पी है, परफेक्ट ब्लेंड ऑफ मसाला विद चटनीज। मेरे हिसाब से दिस इज़ द परफेक्ट चाट मसाला विच वी कैन हैव इन दिल्ली एक्चुअली। अगर 5 में रेटिंग देनी हो तो क्या देंगे आपको? 4.5। भाई हम चलते हैं मुंबई से, हमारे फ्रेंड आए हैं अतुल जी। अतुल जी से पूछते हैं क्या लगा यहाँ का चाट, कैसा लगा आपको दिल्ली का चाट? अवनीश, चाट तो मैं बहुत बार खाया हूँ और यूजुअली इस तरह से चॉप्ड जो पोटैटो है और विद ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस एंड दैट चटनी, मीठी वाली और खट्टी वाली, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत क्रिस्पी है, तो ये चीज़ इसको बहुत यूनिक बना रही है, मुझे ऐसा लगता है। आई वुड लाइक टू कम। तो आप 5 में अगर रेटिंग देना हो क्या देंगे? मैं आई विल गिव 4.5। 4.5। यस यस, जैसा कि आपने अतुल जी से जाना, रमन जी से जाना कि इसका जो रेटिंग है 4.5 देने दिया है इन्होंने। तो हमारे एक और दोस्त हैं साथ में आशुतोष जी, उनसे पूछते हैं क्या क्या कैसा लगा आपको यहाँ का? जबरदस्त जिंदाबाद। जबरदस्त जिंदाबाद। क्या स्वाद, क्या मतलब क्या लगा इसमें? नहीं, हमारे यहाँ जो चाट बनते हैं वो थोड़ा अलग बनते हैं, पर ये मैंने पहली बार खाया है जी। और मैं ये कहूँगा कि जो इसमें मसाले डाले गए और ख़ासकर आलू जिस प्रकार से भुना गया है क्रिस्पी रूप में, वो ज़बरदस्त है खाने में।
और अगर आप रेटिंग मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा 5 में 5 थोड़ा बढ़ा देते हैं। हाँ बिल्कुल। अपने दोस्तों के क्या रिकमेंड करेंगे? मैं बिल्कुल कहूँगा कि अगर आप चाट खाने के शौकीन हैं और खासकर जब चटपटा और खासकर जब आपकी गर्लफ्रेंड आपसे कहे कुछ चटपटा खिलाओ तो आप बिल्कुल पप्पू चाट के यहाँ लेके आए, जो फेमस है और मुझे लगता है कि ये सबसे यूनिक चीज़ है ये कि जो उन्होंने मसाले इसके यूज़ किए। तो दोस्तों मेरे पास भी आ चुका है चाट और मैं आपको बताऊँगा कैसा है ये। तो ये क्रिस्पी है काफ़ी और इसमें जो चट्टी हरी और मीठी का जो कॉम्बिनेशन है काफ़ी अच्छा है। हाँ बहुत ही बढ़िया। जो चटनी है इसकी, खासकर जो चटनी मैं बताऊँ तो काफ़ी अच्छा है इसका, काफ़ी तीखा और जो मीठी चटनी है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों आपको अगर चाट खाने का मन है, अगर जैसा कि आशुतोष ने बताया कि आपकी गर्लफ्रेंड है, अगर उसको लगता है कि कुछ खट्टा खाना है तो एक बार आप पप्पू चाट भंडार के पास ज़रूर आए। खटपटा खट्टा खाना है तो आप पप्पू चाट भंडार की तरफ ज़रूर आए, जो कि ब्रिटिश काउंसिल के पास पड़ता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर आए। तो पप्पू चाट भंडार था और आपने देखा है पप्पू चाट भंडार के क्या खासियत है, यहाँ की यहाँ का चाट कौन सा फेमस है। बट यहाँ पे आने का जो क्रेडिट है मैं रमन जी को देना चाहूँगा, जो हमारे फ्रेंड हैं। तो रमन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप यहाँ पे हमको लेके आए और यहाँ के बारे में हमको जानने का मौका मिला और यहाँ खाने का भी मौका मिला। और जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी मौका मिलेगा कि पप्पू चाट भंडार तक पहुँचने के लिए। तो पप्पू चाट भंडार आप कैसे पहुँचे? तो ये इंडिया गेट के पास ब्रिटिश काउंसिल है, कस्तूरबा गांधी मार्ग पे, उसके सटे ही जो है ये पप्पू चाट भंडार है, आसानी से आप पहुँच सकते हैं। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि लोगों तक चीज़ें और पहुँचें और लोग इसका रिव्यू दे सकें। बहुत बहुत